प्रभु उस दुष्ट रावण ने आपके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। राम पिता कहते हैं कि अब रावण का सर्वनाश ही अंतिम विकल्प है। फिर विभीषण बोलते हैं, प्रभु मैं उस अदपी रावण का त्याग करके आपकी शरण में आया हूँ। विभीषण भी राम की शरण में आ जाते हैं। राम विभीषण को गले लगा लेते हैं। राम तथा रावण की सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने आ खड़ी होती हैं और भयंकर युद्ध का आरंभ हो जाता है। और अब रावण का तलवार लगा हुआ है। राम पर सैनिक रावण से क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। और भयंकर युद्ध स्टार्ट होता है आपस में सेनाओं के बीच, जहां गुप्तरों द्वारा सैनिकों द्वारा महाराज रावण को सूचना दी जाती है कि जब रावण पूछता है कि युद्ध में क्या चल रहा है और कैसे युद्ध हो रहा है, और रावण भी युद्ध का नेतृत्व करने के लिए और अपने सभी जितने भी उसके योद्धा हैं उनसे बारी बारी से युद्ध भूमि में भेजने के लिए बोलते हैं और एक एक करके सभी जाते हैं, वहां प्राप्त होते जाते हैं। आइए युद्ध किस तरीके से हो रहा है देखते हैं। लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में जाते हैं। वहां पर मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच भयंकर युद्ध होता है। जोरदार तालियां, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और मेघनाथ का लक्ष्मण द्वारा वध कर दिया जाता है। और मेघनाथ